बार बार मैंने कहा है कि हमारे आठवें निज़ाम जो यहाँ बैठे हुए हैं हैदराबाद में, और जो हमारे मोहम्मद बिन तुगलक बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी के रूप में दिल्ली में, दोनों तानाशाही की राजनीति में विश्वास करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या है? आर्थिक विषमताओं के खिलाफ हमारा आवाज उठाना, सामाजिक ध्रुवीकरण के खिलाफ हमारी आवाज उठाना और राजनीतिक तानाशाही के खिलाफ हमारा आवाज उठाना। ये धमकी की राजनीति, भय की राजनीति, सभी संस्थाओं को धमकी देना, मीडिया को, जुडिशियरी को, ब्यूरोक्रेसी को, सभी को धमकी देना और सभी में भय पैदा करके समर्थन लेना, ऐसे राजनीति में कांग्रेस पार्टी विश्वास नहीं करती। और इसीलिए हम भारत जोड़ो यात्रा हम निकाले हैं। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, तानाशाही छोड़ो, भारत जोड़ो, यही तो संदेशा है। तो जर्नलिस्ट हो, पत्रकार हो, जजेस हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो, जो लोग सब आज भय में हैं, जिनको धमकियां दी जा रही है, इसका हम कड़ा विरोध करते रहेंगे। हमारे देश में सिर्फ एक लोकतांत्रिक पार्टी है और वो है कांग्रेस पार्टी। हमने हमारे अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराया है। क्या टीआरएस में चुनाव होंगे अध्यक्ष पद के लिए? क्या एमआईएम में चुनाव होंगे अध्यक्ष पद के लिए? क्या बीजेपी में चुनाव होंगे अध्यक्ष पद के लिए? नहीं। तो कांग्रेस एकमात्र लोकतांत्रिक पार्टी है और पत्रकारों को हमने हमेशा सुरक्षित रखा है। फ्रीडम ऑफ द प्रेस में हमने विश्वास रखा है और